वन प्लस का ये फोन जो फ्लैगशिप फोन के कमर तोड़ देगा, मतलब वन प्लस 11 जो कि 60,000 का फ्लैगशिप फोन आता है उससे भी ज्यादा फीचर्स ये 40,000 वाले फोन में है। स्वागत है आपका टेक्निक यूनिवर्स में और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए वन प्लस का 11R, जिसे वैसे तो वन प्लस 11 की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था लेकिन ये फीचर्स में उसका भी बाप निकला। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के इसको कर लेते हैं अनबॉक्स। ऊपर से लेके अंदर तक बहुत ही मुलायम मुलायम सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें पेपर ना यूज करके वेलवेट यूज किया गया। ऊपर के बॉक्स में आता है इसका कवर जो कि ट्रांसपेरेंट है, क्वालिटी इसकी डिसेंट है और ये मिल जाते हैं कुछ पेपर्स। एंड इस पेपर में आती है इसकी सिम इजेक्टिंग टूल जो कि स्माइली फेस की बहुत ही प्यारी लगती है और ये है स्टिकर्स जो कि एप्पल्स में आते थे अब ये भी देने लग गया। वैसे तो एप्पल के फुल टू कॉपी करता ही है ये और लोग इसे एप्पल से कंपेयर करते हैं भाई, तो वैसे तो ये हमारे किसी काम का है नहीं तो हम साइड में रखते हैं। यहाँ पे है इसका चार्जर जो कि 100 वॉट का है, उसी के साथ मिलते हैं अपने को ये चार्जिंग केबल। नॉर्मल केबल से काफी स्ट्रांग है, आप इसका मटेरियल देख रहे हो कितना मोटा केबल है इसका। तो इसमें आपको मिल जाता है यूएसबी से टाइप सी जो कि आपका 11 आप बहुत ही फास्ट चार्ज करने वाला है और ये इसे नाम देते हैं सुपर वुक टेक्नोलॉजी, मतलब फास्ट से भी फास्ट। वाओ, कैमरा बम्प देख रहे हो भाई, क्या खतरनाक है, ऐसा लग रहा है DSLR या प्रोफेशनल कैमरा इसी के अंदर घुसा दिया। वैसे कैमरा सोनी का है, इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे, अभी सब बात कर लेंगे तो आप पूरा वीडियो कैसे देखोगे। तो बात करते हैं इसकी डिजाइन की, तो ये वन प्लस 11 जैसा ही है लेकिन 20,000 कम में। अब 20,000 कम करने की वजह से जो इसकी फ्रेमिंग है ये मेटल की नहीं है, ये प्लास्टिक की है, बट बैक साइड में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिल जाएगा जो कि बहुत ही ग्लोसी लगता है, लगता नहीं ऐसा कि ये ग्लास है। ये राउंड शेप में 3 कैमरे का सेटअप मिल जाएगा फ्लैश लाइट के साथ में जो कि आपके फ्रेम से जुड़ा हुआ है। कॉर्नर से हल्का सा कर्व है, साइड में आएंगे तो पावर बटन है, यहाँ पे आपको स्विचिंग बटन मिल जाएगी जो कि वाइब्रेट और साइलेंट करेगी और ये फीचर भी आईफोन का चुराया हुआ है लेकिन आईफोन में सिर्फ साइलेंट होता है। यहाँ पे 2 स्टेप वाली बटन दी गई है जो कि मुझे इम्प्रेसिव लगी। अपर साइड में माइक्रोफोन दिया है, एयर ब्लास्टर दिया है, नॉइस कैंसिलेशन दिया है। लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की दी है और कुछ नहीं है। एंड बॉटम साइड में दिया है सिम इजेक्टिंग के लिए। इसकी सिम ट्रे भी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट सिम लगानी है और इसी के बैक साइड में सेकंड सिम, या तो आप मेमोरी कार्ड लगा सकते, मतलब ये हाइब्रिड सिम स्लॉट देता है। यहाँ पे दिया है आपका माइक सी टाइप पोर्ट और यहाँ पे आ जाएगा डुअल स्टीरियो स्पीकर। हाइट इसकी है 16.34 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 7.43 सेंटीमीटर, थिकनेस 0.87 सेंटीमीटर। डिस्प्ले भी बहुत ही कर्व डिजाइन में है, यहाँ पे आपको वन प्लस के ब्रांडिंग दिख जाएगी और इसका कलर भी शेडेड कलर है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। साइड से थोड़ा अलग लगता है, फ्रंट से अलग लगता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो बैक साइड में तो ग्लास है जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 का है लेकिन फ्रेमिंग इसकी प्लास्टिक की दी गई है। फ्रंट साइड में भी गोरिल्ला ग्लास मिल जाएगा, इसके कैमरा बम में भी ग्लास है लेकिन ये प्लास्टिक से जुड़ा हुआ। वैसे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी तो ये फ्रेमिंग को छोड़ के ठीक है क्योंकि इसमें प्लास्टिक फ्रेम दी गई है। वन प्लस 11 में मेटल हाँ, लेकिन वो 20,000 ज्यादा भी है। इसकी इन हैंड फीलिंग भी बहुत ही स्मूथ लग रहा है। इसका वेट लगभग 205 ग्राम है। इसकी एक खामी ये है कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट बहुत ही जल्दी लग जाता है। बात करते हैं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले साइज आपको बहुत ही लार्ज मिल जाएगा, 6.74 सेंटीमीटर का फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले है जो HDR10+ है, मतलब 4K नहीं है लेकिन 2.5K बोल सकते हो इसे। इसमें कर्व डिस्प्ले बोला गया है लेकिन कर्व में आपके बेजल्स आ जाते हैं थोड़े और आधे हिस्से में आपका डिस्प्ले आ जाता है। बेजल्स का प्रोपोर्शन काफी अच्छा है इसमें। टच रिस्पांस इसका 360Hz का है एंड इसमें आपको मिल जाएगा 120Hz का रिफ्रेश रेट जो कि अडैप्टिव है, मतलब 120Hz कंटिन्यूअसली नहीं चलता है, कभी कम कभी ज्यादा सिचुएशन के हिसाब से होता रहता है। वैसे इसका हाईएस्ट रिफ्रेश रेट 120 का है लेकिन लोएस्ट में आपको 40Hz तक तो मिल ही जाए। ये HDR10+ डिस्प्ले है तो देखते हैं हम ये कितना सपोर्ट कर, 4K 60fps तक सपोर्ट करता है। व्यू एंगल इसका अच्छा है, डिस्प्ले की क्वालिटी भी बहुत शार्प है बिकॉज 450ppi इसमें मिल जाता है। इसका ब्राइटनेस 1450 nits तक चले जाता है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें स्टोरेज आपको मिल जाएगा 128GB का, रैम आपको मिल जाएगी 8GB जिसमें 4GB एक्सपेंडेबल है, मिनिमम 4GB है, उसको आप 6GB कर सकते हो, 8GB कर सकते हो, ये बहुत ही सही चीज है। एंड्रॉइड वर्जन आपको 13 मिल जाएगा और इसका OS मिल जाएगा आपको ऑक्सीजन का 13। इसका अपडेट भी आ चुका है लेकिन अपडेट करने का हमारे पास में अभी टाइम नहीं है इसलिए हम अपडेट नहीं करेंगे। प्रोसेसर आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन का 8+ Gen 1 का एंड GPU एंड्रीनो 730 है। बैटरी आपको मिल जाएगी 5000mAh की। ये 5G फोन है जो कि ड्यूल स्टैंड बाय पे है, मतलब आप दोनों ही सिम में 5G एक साथ चला सकते हो, एक में 4G एक में 5G, एक में 5G एक में 4G 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 5G 5G, मतलब कुछ भी आप चला सकते हो। सिक्योरिटी के लिए आपको फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, पासवर्ड तीनों मिल जाएंगे। इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है जिसकी बनावट थोड़ी सी अलग है। इसकी स्पीड कितनी फास्ट आती है, यहाँ पे फेस लॉक भी हम लगा लेते हैं या फेस तो इसने एकदम अचानक से ले लिया और पता नहीं ओके भी हो गया। टेस्ट करते हैं अपने फिंगरप्रिंट का, फिंगरप्रिंट तो अच्छा लग रहा है मुझे, फास्ट है, हल्का सा भी टच होने के बाद में खुल जाता है, ज्यादा प्रेस नहीं करना पड़ रहा है। एंड फेस लॉक
फेस लॉक भी फास्ट है, मतलब मुझे कोई लैगिंग नहीं लग रही है फेस लॉक में भी। फीचर्स की बात की जाए तो इसके डिस्प्ले में काफी सारे फीचर्स है, जैसे ही आपकी आंखों को थकने नहीं देगा, मतलब कितना भी टाइम आप देखोगे तो आंखों के लिए आईज के लिए कंफर्टेबल रहेगा। इमेज को ये शार्प कर देता है, वीडियो कलर्स को इनहेंस कर देता है, नियर बाय शेयरिंग मिल जाता है, डुअल वीडियो चला सकते हो आप इसमें, यहाँ पे स्क्रीन कास्ट भी हो सकती है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी इसमें मिल जाती है, तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी अच्छी चीज। इसमें वाईफाई, ब्लूटूथ, एचडीएमआई, एनएफसी, बहुत सारे और भी सेंसर्स अवेलेबल। वैसे तो स्पीकर इसमें एक ही दिया हुआ है, लेकिन साउंड क्वालिटी का टेस्ट करना तो बनता है। इसकी एक अच्छी चीज ये लगी कि इसका नीचे का स्पीकर तो यूज होता है, अपर साइड का भी यूज होता है। देखो दिखाता, नीचे वाले स्पीकर से साउंड आ रहे हैं, ये ऊपर वाले से आ रहे हैं। तो साउंड क्वालिटी तो मुझे काफी अच्छी लगी। मुझे लगा था कि स्पीकर बहुत ही छोटा है तो इतनी अच्छे से, अरे बंद हो जा भाई, मुझे लगा था स्पीकर की जगह इतनी छोटी दी गई है तो स्पीकर इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहुत ही तगड़ा स्पीकर, डुअल स्टीरियो स्पीकर जो बोला गया है वो सही है भाई। इसकी बैटरी की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, वो भी 100 W के सुपर फास्ट चार्जर के साथ। तो इसका हम फुल टेस्ट करेंगे कि कितने मिनट में चार्ज हो जाता। तो हो चुका है 8%, इसे हम स्टार्ट कर देते। ध्यान देने वाली बात यह है कि बैकग्राउंड में हमने गेम डाउनलोड पे लगाया, 12 मिनट में यह 7% से 22% पे आया है, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन आप कर लीजिए। तो अब बात करते हैं इसके गेमिंग टेस्ट की। तो गेमिंग के लिए हमने न्यू स्टेट गेम डाउनलोड कर लिया है, जो कि लगभग 1.5 से 2 GB का है। इसमें गेमिंग टूल्स भी दिए गए हैं, जिसे आप डाउन करके यहाँ पे आप देख सकते हो, बैलेंस मोड, प्रो गेमर मोड, ग्राफिक भी अच्छे से एनहांस हो रहे हैं इसमें। वैसे लैगिंग जैसा तो मुझे कहीं पे लग नहीं रहा है, बहुत ही स्मूथ लग रहा है, बट एक प्रॉब्लम इसमें यह है कि थोड़ा सा हीटिंग करता है। वैसे 5 घंटे से ये कंटिन्यूसली चल रहा है, हाँ थोड़ा गर्म तो हुआ है। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा की। तो बैक साइड में 3 कैमरा का सेटअप है, जो कि सोनी की तरफ से, मतलब इसका सेंसर सोनी का IMX890 है, अपर्चर F1.8 के साथ में आता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा या वाइड कैमरा भी बोल सकते हो इसे, और इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा भी दिया गया है, जो कि 8 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। जूमिंग इसका हो जाता है 10 तक, वीडियो में जाएंगे, HD है, फुल HD है, और 4K रिकॉर्डिंग, 4K रिकॉर्डिंग आपको 30 FPS, 60 FPS में भी मिल जाएगी, और रिकॉर्डिंग में HDR भी दिया गया, ऑटो फोकस भी इसमें आता है। इसके कैमरे में AI फीचर्स भी इंक्लूड किए गए हैं, AI का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जिसमें आपकी क्वालिटी को सीन को और इनहेंस करके देगा, और ये अल्ट्रा स्टडी मोड भी मिल जाएगा, जिसका हमने फुल भाग भाग के टेस्ट किया है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रंट कैमरा है इसमें 16 मेगापिक्सल का, तो फ्रंट कैमरा में आपको 1080 का ही सपोर्ट मिलेगा, मतलब HD और फुल HD में आप रिकॉर्डिंग कर पाएंगे, और यहाँ पे भी आपको स्टडी मोड मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं अपना व्लॉगिंग टेस्ट। अभी जो वॉइस आ रही है वो इसी कैमरे से आ रही है, इसी मोबाइल से आ रही है, ये हम फ्रंट कैमरे से शूट कर रहे हैं। आप वॉइस की क्वालिटी देख रहे होंगे, वॉइस की क्वालिटी कैसे आ रही है, बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे कितना उजाला आ रहा है, और ये बैक साइड में अपनी हरियाली, तो इसमें कितना आ रहा है, ये व्हाइटिश है तो व्हाइटिश दिख रहा है, वैसे लाइट अभी इतनी है नहीं, आसमान में आप देख सकते हो बादल, सूरज हमारा ढलने वाला है, हम नाइट का भी व्यू दिखाएंगे आपको, तो उसके लिए वेट करो। और ये है अपना बैक कैमरा, अभी जो वॉइस आप सुन रहे हो ये बैक कैमरे से आ रही है, एंड बैक कैमरा कैसा है आपको पता चल रहा होगा। और इसके अलावा कैमरे का फुल टेस्ट चाहिए, इसके एक एक फंक्शन आपको टेस्ट करने हैं, तो उसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी का आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नाइट मोड का भी फुल टेस्टिंग किया है हमने, ये नाइट मोड की रिकॉर्डिंग है, थोड़ा सा यहाँ पे उजाला है तो हम अंधेरी साइड में चलते हैं, जब कम लाइटिंग होती है तो ये ऐसा गोलाई में फ्लैश बना लेता है फ्रंट कैमरे के लिए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी इसकी। वैसे इसके कैमरे का फुल टेस्टिंग वीडियो भी मिलने वाला है, जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसमें पेनोरामा है, और मोड में आप जाओगे जो प्रो फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए है, प्रो वीडियोग्राफर है अगर, तो आप यहाँ पे सब कुछ सेट कर सकते हैं, ISO, शटर, सब कुछ, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, और डुअल मोड, जिसमें फ्रंट कैमरे में आप अपर साइड से दिखा सकते हो, इसे आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमें राउंड शेप में चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, और यहाँ पे फ्लिप में भी मिल जाएगा, मतलब आधी स्क्रीन अपर साइड आधी स्क्रीन बैक साइड, ये उनके लिए अच्छा है जो वीडियो एडिट नहीं कर सकते। और बाकी के फीचर्स को मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, तो उसको देखना ना भूले। वन प्लस के इस लाल का, मतलब ये लाल डब्बे में आता है इसलिए ये लाल है, तो लाल का हम फुल टेस्ट कर चुके हैं। तो अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे कि इसे आपको लेना चाहिए या नहीं, ये किसके लिए है। तो अगर आप कैमरा लवर हो, आपको फोटो वीडियो अच्छा चाहिए, मतलब कैमरा क्वालिटी अच्छी चाहिए, कैमरे का फुल फंक्शंस चाहिए, तो आपके लिए तो सबसे बेस्ट है। और अगर कोई गेमर है तो गेमिंग के लिए भी ये अच्छा है, थोड़ा सा हीटिंग करता है ज्यादा गेमिंग खेलने पे, तो ये प्रो गेमर्स के लिए तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आप डिसेंट गेमिंग इसे कर सकते हो। वैसे डिजाइन वाइज और फीचर वाइज बहुत ही शानदार है, अगर किसी ने वन प्लस का 11 चलाया है तो 11R तो उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि काफी सारे फीचर्स है इसमें, थोड़े बहुत डाउन्स भी है, लेकिन ओवरऑल इसमें फीचर्स ज्यादा लगे मुझे, और प्राइसिंग 20,000 कम है। तो आपके हिसाब से ये मोबाइल आपको कैसा लगा, इसकी कैमरा क्वालिटी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको ये लेना है, उसकी लेटेस्ट प्राइसिंग जाननी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां
पे जाके देख सकते हो, ले सकते हो, परचेस भी कर सकते हो। और अगर आपको ऑफलाइन मार्केट में देखना है और आप खंडवा से है तो खंडवा क्रोमा का मैं एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो, उन्हें कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो इस अनबॉक्सिंग और जेन्युइन रिव्यू वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कैमरे का फुल टू रिव्यू करने वाले हैं, तो उसके लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और फ्यूचर में बहुत सारे अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो आप तक आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना सपोर्ट दिखा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।